नमस्कार आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए, वहीं राज्यों के हाई कोर्ट ने भी कई महत्वपूर्ण फैसले किए। चलिए जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले किए और राज्यों के हाई कोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले किए, जिसका सरोकार हमारे और आपके जिंदगी से जुड़ा है। आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला किया। तलाक में, डाइवोर्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक पक्ष तलाक की अर्जी लगाता है कोर्ट में, तो उसे लगभग 6 महीने से 18 महीने तक इंतजार करना पड़ता है दूसरे पक्ष को उसका जवाब देने के लिए। और ये टाइम पीरियड जो होता है, 6 महीने से 18 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है। कहा कोई जरूरी नहीं है, अगर दोनों पक्ष एग्री कर जाते हैं कि हमें शादी के बंधन में नहीं रहना है, हमें डाइवोर्स लेना है, तो ये टाइम का बाउंडेशन या इंतजार करने की अवधि है, उसको आप खत्म भी कर सकते हैं, वो मानना जरूरी नहीं रह जाएगा। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अनुसार आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद दूसरा प्रस्ताव पेश करने वाले को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 18 महीने का इंतजार करना पड़ता है। यह कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, जो अनिवार्य है ताकि दोनों पार्टियों को अपने अंदर सोचने, समझने और निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर दोनों पक्ष नहीं चाहते हैं विचार करना, तो इस टाइम पीरियड को आप खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां दोनों पक्ष टाइम को नहीं मान रहे हैं और चाहते हैं कि हम डाइवोर्स ले लें, तो अदालत का काम होता है कि उनको तुरंत न्याय दिया जाए। और अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस ओ का, विक्रमनाथ और जेके महेश्वरी की बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित 6 महीने की अवधि को समाप्त किया जा सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के आलोक में देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 142 के शक्ति के तहत न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। आप देखिए कि कोर्ट में अक्सर चले जाइए, फैमिली कोर्ट, खासकर जो जिला अदालत में फैमिली कोर्ट होता है, वहाँ डाइवोर्स के लिए लंबी लाइन लगी रहती है और सालों सालों तक मामला पिसता रहता है। इस पे एक बहुत बड़ा ये फैसला माना जा सकता है। और आप दूसरे लहजे में इसको आप समझें, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही हैं, खासकर मौजूदा सत्ता में बैठी पार्टी है, बार बार अभी कर्नाटक चुनाव में भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है कि हम समान आचार संहिता लाएंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना शुरू कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका की इस अधिकार को कि आप सामान आचार संहिता कानून लाएंगे, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकों ने एक याचिका लगाई कि हम लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, इस पर मंजूरी दी है। और सुप्रीम कोर्ट लगातार 7 दिन तक इस पर बहस करता रहा। तो इस फैसले का सबसे बड़ा असर जो होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्यवस्था दे दी। हालांकि ये मामला कोई नया नहीं है, इस मामले को लगभग 5 साल पहले 29 जून 2016 को जस्टिस शिव कृति सिंह और आर भानुमति, दोनों अब रिटायर कर चुके हैं, कि बेंच ने 5 न्यायाधीशों की दूसरे बेंच में भेजा था, ट्रांसफर किया था। और दलील सुनने के बाद जो संवैधानिक बेंच है, उसने 29 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मतलब लगभग आप ये 6 साल पुराना मामला है, 6 साल से सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर बहुत बड़ा ये फैसला आया।
कि अब किस टाइम बाउंडेशन अगर दोनों पक्ष लेना चाहते हैं डाइवोर्स तो ले सकते हैं, इंतजार नहीं करना होगा। वहीं आपको याद होगा कि हुबली में 2022 में एक दंगा हुआ था। दंगा क्या हुआ था कि कुछ लोगों को ये पता चला कि वहाँ की मस्जिद पर किसी ने भगवा झंडा लगा दिया, एक कोई वीडियो चला और उस वीडियो को देखते हुए वहाँ की जनता भड़क उठी और वो जाकर लोकल जो पुलिस स्टेशन है उस पर अटैक कर दी थी। यही हुबली का दंगा था जो 2022 में पिछले साल हुआ था। इसमें लगभग 140 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने 41 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। 140 लोगों पर UAPA का भी कानून लगा था, दंगे की भी धाराएं लगाई गई थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने की भी धारा थी और इस मामले की जांच NIA की विशेष अदालत कर रही है और NIA की विशेष अदालत ने 41 आरोपियों को की जमानत की अर्जी खारिज कर दिया था। इसके बाद ये कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे। इन आरोपियों का कहना था कि NIA अदालत में मेरी सुनवाई हो ही नहीं रही, हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। तो आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को सिफारिश किया है कि NIA द्वारा दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बेलगावी, कलबुर्गी, मैसूरू में विशेष अदालत स्थापित करें ताकि जल्दी सुनवाई के अधिकार की रक्षा की जा सके। आज सेबी ने यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसको नियमित करता है, उस पर नज़र रखता है, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपने जो हमें जांच करने के लिए कहा है अडानी के मामले में, आपको पता है कि अडानी के मामले में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और उसमें कहा गया कि अनेक लेवल पे अकाउंट के जरिए छेड़छाड़ की गई है, शेयर मार्केट को प्रभावित किया गया है फर्जी तरीके से, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दी थी कि आप करके दीजिए। सेबी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहता है कि ये ऐसा मामला है जो 12 संदिग्ध लेन देन को कम से कम 15 महीने की कठोर जांच की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये लेन देन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। ये डायरेक्ट लेन देन सिर्फ का मामला नहीं है, इसके नीचे कई और लेन देन हुए हैं, इसलिए कम से कम 6 महीने का वक्त और जांच के लिए दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कहा है कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए बयान देते समय आप सतर्क क्यों नहीं रहते हैं। मामला आपको पता है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कर्नाटक के कोलार में कि सभी चोर मोदी ही क्यों हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा था सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं। आपको याद है ये RSS BJP सभी जगह क्या क्या चिल्ला कर कहती है, लालकृष्ण आडवाणी क्या कहते थे कि ये समझ में नहीं आता है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। ये वही लोग हैं जो आज राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस इन लोगों ने किया। पूर्णेश मोदी ये BJP के स्थानीय नेता भी हैं गुजरात में। राहुल गांधी पर आपको पता है कि उनकी 2 साल की सजा हुई है और उसी सजा की पर रोक लगाने के लिए वो गुजरात हाईकोर्ट गए हुए हैं। उसी पर गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि वास्तव में यह बड़े पैमाने पर लोगों के प्रति उनका अधिक कर्तव्य है, वह बड़े पैमाने पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें अपने बयान सीमा के भीतर देना चाहिए। कितनी अच्छी बात है जब विपक्ष का कोई नेता गुजरात हाईकोर्ट बिल्कुल महात्मा गांधी बन जाता है। उसी गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं जो कहते हैं आंदोलन में देखना कौन लोग हैं, उनके कपड़े को पहचानना। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की समीक्षा करे गुजरात हाईकोर्ट तो कई किताब लिख देगा, इतने मानहानि के आरोप होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसके बारे में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मुसलमान हो, किसके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की। वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन क्या गुजरात हाईकोर्ट ये बोल पाएगी।
हाँ राहुल गांधी का मामला हो तो बोल पाएगी, विपक्ष की किसी नेता का मामला हो तो वे बोल पाती है, बाकी तो घिघी बंदी रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सांसद विधायक कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने बसपा सांसद अफजल अंसारी को 4 साल की सजा दी है, गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाया और 4 साल की सजा दी, और अब वो लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे। मतलब भारत की लोकसभा से एक और मुस्लिम प्रतिनिधि को बाहर कर दिया गया। वो समझिए कि कितने एमपी एमएलए हैं जिस पर हमारी कोर्ट फैसला देती है। ये गाजीपुर के सांसद और विधायक कोर्ट वही गाजीपुर है जिसमें अभी एक फ्रॉड ठग कॉन मैन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन मैन, एक पकड़ा गया है, संजय सिरपुरिया, इसी गाजीपुर का है। वो किसको पैसा दिया? गाजीपुर से एक बार सांसद रहे और मंत्री रहे मनोज सिन्हा, जो अभी जम्मू कश्मीर में गवर्नर है, उन पर कोई केस नहीं होगा, उन पर भी कई आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन चूंकि अफजल अंसारी है इसलिए फैसला तो आएगा ही। आजम खान है, फैसला तो आएगा ही। मतलब कोर्ट का काम करने का तरीका मजहबी आधार पर तय हो रहा है क्या? ये सवाल है, और सवाल देश की सुप्रीम कोर्ट से है। अगर एमपी और एमएलए का उनके अपराध पर ही फैसला करना है तो क्यों नहीं बैठा देते हैं, एसपीटी ट्रायल क्यों नहीं करते हैं, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, सभी पर कीजिए। इससे मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। अफजल अंसारी पे साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी की विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में अंसारी बंधुओं के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अंसारी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर बुलडोजर चलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई हुई थी सीनियर सिटीजन को लेकर, कि आपको पता है कि कोविड से पहले सीनियर सिटीजन को रियायत मिलती थी, 25% के आसपास उनको रियायत मिलती थी। कोर्ट में याचिका डाली गई कि क्यों नहीं इनको जो रियायत कोविड से पहले मिलती थी वो दोबारा बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह देखना मेरा काम नहीं है, केंद्र सरकार अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को यह फैसला करना है कि सीनियर सिटीजन को हम कॉन्सेशन दे, रियायत दे या नहीं दे। उनको ट्रेन में जब वो चलते हैं तो उनको रियायत मिलती थी पहले, अब ये रियायत पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है केंद्र सरकार इस पर फैसला करेगी। अगर गुजरात हाई कोर्ट की फिर से एक बात करें तो गुजरात और गुजरात की सरकार और गुजरात की न्यायपालिका देश से अलग एक सिस्टम को चलाती है। मतलब दूसरे जगह जैसे उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका है, दिल्ली की न्यायपालिका है, वेस्ट बंगाल की न्यायपालिका है, तमिलनाडु की न्यायपालिका है, वहाँ से दिगर गुजरात की न्यायपालिका है, गुजरात की सरकार है। ऐसा ट्रेंड क्यों दिख रहा है कि जो जो बीजेपी राज्य है वो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है कि वहाँ के जो जजेज हैं उनको प्रमोशन देने का, जो जिला अदालत में जज होते हैं उनको प्रमोशन देने का, उसकी याचिका पे सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक सुनवाई चलेगी तब तक राज्य सरकार या गुजरात की हाई कोर्ट फैसला नहीं ले सकती है प्रमोशन। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब याचिका हमारे यहाँ सुनवाई चल रही है तो गुजरात सरकार कैसे नोटिफिकेशन निकाल सकती, कैसे अधिसूचना जारी कर सकती है उनके प्रमोशन का। ये तो सरासर सुप्रीम कोर्ट की अब मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने से पहले हाई कोर्ट ने पदोन्नति की सिफारिश कर दी थी। मतलब गुजरात की हाई कोर्ट ने पहले सिफारिश जारी कर दी, जबकि गुजरात के हाई कोर्ट को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। और 13 अप्रैल को जब कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया तब फाइल राज्य सरकार के पास लंबित थी। नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 18 अप्रैल को जिला न्यायाधीशों की के प्रमोशन को
अधिसूचित कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस जे बी पर्दीवाला के बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टि में लगता है कि पदोन्नति को अधिसूचित करने का कार्य अदालत की प्रक्रिया का उल्लंघन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब आप समझिए क्यों प्रमोशन दिया जा रहा है। जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को प्रमोशन दे रही है, तो क्यों नहीं हो राहुल गांधी सरीखे, केजरीवाल सरीखे, या हमारे आपके खिलाफ मानहानि के केस में क्यों नहीं जल्दी से जल्दी वो सजा सुनाएगी। उसको तो लगेगा कि हमें तो प्रमोशन मिल रहा है, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है, हमें प्रमोशन मिल रहा है, और प्रमोशन की लालच में उस राज्य सरकार जो मर्जी चाहेगी वो फैसला करवाएगी। वही हो रहा है, प्रमोशन के पीछे की कहानी यही है। वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की एक अदालत को आदेश दिया है कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज की ओर से मुकदमे का फैसला कि मथुरा जिला जज की ओर से 19 मई 2022 के आदेश के मामले के गुण दोषों और विवादास्पद मुद्दों पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करें, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की कोर्ट को कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने, मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज ने जो भी इस पर 19 मई 2022 को जो टिप्पणी की थी उसको साइड करते हुए, उसको एक तरफ रखते हुए अब मामले की सुनवाई करें। मामले में गर्माहट आएगी, फिर से हिंदू मुसलमान देखिएगा कल से चलना चालू हो जाएगा। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस आदेश ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान को 13.337 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने की मांग करने वाली मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू करने का मार्ग खोल दिया है, रास्ता खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मथुरा जिला अदालत में गुहार लगाई थी। डिस्ट्रिक्ट जज 19 मई 2022 को ये कहते हैं कि ये हटाया ही जाना चाहिए, शाही मस्जिद हटाया ही जाना चाहिए, इस पर विचार करने योग्य है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज यह राय रख रहा है तो न्याय वो कैसे कर सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैंने कह दिया है कि वो पूर्वाग्रह नहीं रखें, उस पर टिप्पणी करने से बचें। मतलब हाई कोर्ट को भी ये लग रहा है कि जिस जज ने पहले ऐसा कहा है अब वो फिर से अगर सुनवाई में शामिल होता है तो अपनी सोच छोड़ देगा जो पहले वो कह चुका है। ये अजीब सी स्थिति नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस पर भी नाराजगी जताई थी कि 1991 में विशेष पूजा स्थल अधिनियम बना था जिसमें यह हुआ था कि 1947 से जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी, न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगा। इसका उल्लंघन किया जा रहा है। सिर्फ अयोध्या के मामले पर सुनवाई होगी, बाकी काशी या मथुरा के मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला करेगा कि इस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा जब ये विशेष पूजा स्थल अधिनियम कानून 1991 में बना था उससे पहले का एक केस है, इसलिए इस पर सुनवाई होगी। आपको बताते चले, इसमें दरअसल 1974 में जो फैसला, एक समझौता हुआ था जिसमें शाही मस्जिद से जुड़े लोग और देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से जो लोग थे उन दोनों ने फैसला किया था, दोनों ने एक दूसरे को का सम्मान करते हुए कहा था कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ कोई झंझट या कोई भी जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अब एक नया फैक्ट आया है कि उस समझौते को नहीं मानते हुए हिंदू पक्ष चले गए कि हम उस समझौते को नहीं मानते हैं, और ये विवाद मथुरा की कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एक बहुत मुश्किल का सवाल आके खड़ा हो गया है।
वह यह है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, एडवोकेट जो है, वो चाहते हैं कि चंचूर अपने समय में चंचूर को इतना बिजी रखे, ऐसी ऐसी याचिका लगाएं ताकि चंचूर उसमें फंसे रहे। किसी तरह से चीफ जस्टिस चंचूर को धार्मिक विवादों में खींच कर ले आए और इस तरह से चंचूर का समय खत्म हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छी टैक्टिक्स है। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर किया था। जनहित का मतलब होता है सबके हित के लिए, लेकिन ये हिंदू, इसको आप कह सकते हैं हिंदू याचिका, आरएसएस की याचिका है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय आरएसएस से ही जुड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि तमिलनाडु में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मिशनरियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के साथ जबरन और धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए सरकार को आप निर्देश दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप सरकार को निर्देश दीजिए कि तमिलनाडु में ईसाई धर्म में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, इस पर रोक लगाए, और विधि आयोग लॉ कमीशन को निर्देश दीजिए कि इस पर कानून बनाए, कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और कितना मजबूत किया जा सकता है। हमारे यहाँ पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून है, हमारे यहाँ भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 भी है जिसमें माइनॉरिटी में जो रिलीजन है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, जैन, इन सबको अपने अपने धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है। कभी सिखों से पूछा जाता है क्या, क्यों तुम अपना धर्म का प्रचार कर रहे हो भाई? हर जगह गुरु पर्व मनाते हैं। कभी बुद्धिस्टों से पूछा जाता है, बोधगया में बहुत बड़ा इनका है, हिमाचल में दलाई लामा प्रचार करते रहते हैं, धार्मिक प्रचार करते हैं, कौन रोकता है? लेकिन मामला है मुसलमान या ईसाई का आ जाए, लेकिन इस मामले को खिसका कर ईसाई और मुसलमान पे लाना, ये आरएसएस का अपना एक डिजाइन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार ने बहुत ही मजबूती से जवाब दिया। तमिलनाडु की सरकार ने कहा लोगों को अपने धार्मिक विश्वास का प्रचार करने और अन्य व्यक्तियों को प्रचार करने का अधिकार है, लोगों के पास अपनी मान्यताओं को बदलने का भी विकल्प है, जब तक कि यह बिना किसी डराने धमकाने या धोखे के न हो। इस याचिका को तमिलनाडु सरकार ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और यह वकील अश्विनी उपाध्याय जो है ये आरएसएस से संबंधित है। खैर, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट केस की, मेरी याचिका की मेरिट देखता है कि जो याचिका आई है उसमें संवैधानिक तौर पर उस पर बहस की गुंजाइश है या नहीं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मुकदमेबाजी विशेष विश्वास के खिलाफ, विशेष धर्म के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के, पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह शुरू की गई। आपको पता है कि तमिलनाडु में बीजेपी हर हालत में चाहती है कि वहाँ हम सत्ता में आए, और सत्ता में तभी आ सकती है कि जब दलित और ईसाइयों के बीच वहाँ संघर्ष हो। वहाँ ईसाई बड़े पैमाने पर है, मुसलमान भी 10% है और ईसाई भी है, और ख़ासकर नॉर्थ जो तमिलनाडु है वहाँ पे ईसाइयों का वर्चस्व है, और वहीं पे बीजेपी अपना प्रयोग भी करना चाहती है, वहीं पे आरएसएस अपना मार्च भी निकालना चाह रही है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि बिना किसी आंकड़े के, दस्तावेज के ऐसे चौंकाने वाले आरोप लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना ही नहीं हुई है, ईसाई समुदाय के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। दरअसल जो अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में एक और घटना का जिक्र किया कि तमिलनाडु के तंजावुर में आत्महत्या से मरने वाली 17 वर्षीय लड़की की मौत की CBI की जांच कराई जाए, वो धर्मांतरण से परेशान थी। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इस मामले की पहले से ही CBI जांच हो रही है, तो अब कौन सी नई मांग लेके आ रहे हैं, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नाबालिग लड़की की आत्महत्या ईसाई धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन के कारण हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई अश्विनी उपाध्याय की। अश्विनी उपाध्याय ऐसा वकील है आरएसएस का,
कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी दिन लिस्टिंग जब देखें, कभी ये आबाद जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जाएगा, कभी धर्म परिवर्तन के लिए जाएगा, कभी किसी दिन हिंदू राष्ट्र के लिए जाएगा, मतलब इस हर दिन एक याचिका लगाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन जिसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि अश्विनी उपाध्याय अगर राजनीतिक तौर पर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड को ऐसे एडवोकेट के साथ निपटना भी पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेडियो तड़का रेडियो सिटी को आज आदेश दिया कि आप जिन लेखकों का जो भी राइटर्स हैं या जो लेखक हैं अगर उनके लिखे हुए कविता कहानियों को पढ़ते हैं तो लेखक को आप रॉयल्टी देंगे, अगर नहीं देंगे तो आप उनके कामों को प्रदर्शित या लोगों को बताएंगे नहीं, उस पर हम रोक लगाते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड की धारा 124A पर सुनवाई हुई। उस पर केंद्र सरकार ने कहा, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस पर रोक लगा दी थी कि आप किसी पे भी अभी राजद्रोह का मुकदमा दायर नहीं करेंगे जब तक आप इसको परिभाषित नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम इसको परिभाषित करने की प्रक्रिया में एक एडवांस स्टेज में। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार राजद्रोह को नए तरीके से कैसे लाती है। उम्मीद कीजिए कि राजद्रोह का नया जो परिभाषा है आने वाला है उसमें सबसे पहले बोलने लिखने की आज़ादी पर आने वाला है। सरकार के लिए आलोचनात्मक अगर होंगे तो माना जाएगा आप देश की छवि खराब कर रहे हैं। देश की छवि खराब करना एक राजद्रोह माना जाएगा। तो इसी से जुड़ा हुआ नया कानून आने वाला है सुप्रीम कोर्ट पे। हालांकि इस पर बहस होगी और सुनवाई भी होगी, ऐसा नहीं कि सरकार अपने तरीके से ले आएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेगी। सरकार ने कहा कि ये अभी एडवांस स्टेज में है, हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। हाई लेवल की मीटिंग क्या चलेगी? आपको पता ही है कि हर मुकदमा जो लिखा जा रहा है आज की तारीख में, कि आपने प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा दिया, देश की छवि को नुकसान पहुंचा दिया। आप किसी पर भी सवाल कर लीजिए सत्ता से जुड़ा हुआ, वो देश की छवि पर सवाल उठ गया। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभी BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। क्या बताया गया? कि इससे देश की छवि पर खतरा हुआ, देश की छवि को गलत बताया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में राजद्रोह का मुकदमा जो है उन्हीं लोगों पे लगेगा, मतलब हमारे आपके जैसे लोगों पर जो सरकार की आलोचना करेंगे, निंदा नहीं आलोचना करेंगे। वैसे आपको ये जानना चाहिए कि IPC की धारा 124A क्या है। उसमें साफ है कि जो कोई भी मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या तस्वीरों द्वारा सरकार का अवमानना करता है या सरकार को उत्तेजित करता है या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है और कम से कम 3 साल की सजा भी हो सकती है। यह राजद्रोह की धारा, सरकार अब इसके जगह छवि द्रोह, राजद्रोह का नाम छवि द्रोह करेगी और आप आलोचना नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।